हुंडई सांता फे सिग्नेचर वेरिएंट का मुकाबला हैवाल एक्टिक एचईवी से। हुंडई सांता फे मैन्युफैक्चर्ड की गई है साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई की तरफ से और हैवाल एक्सिक्स मैन्युफैक्चर्ड की गई है चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी ग्रेट वॉल मोटर की तरफ से। ये कंपैरिजन एक भाई की फरमाइश पे किया जा रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू द गैराज। सबसे पहले हम बात करेंगे इन गाड़ियों के एक्सटीरियर के हवाले से। सांता फे की बॉय टाइप जो है वो डी सेगमेंट की एसयूवी है और हैवाल एक्सिक्स की क्रॉसओवर एसयूवी। सांता फे का कार वेट 1983 किलोग्राम है और हैवाल एक्सिक्स का 1770 किलोग्राम। सांता फे की डायमेंशन 15 फुट 8 इंच लंबी, 6 फुट 3 इंच चौड़ी और 5 फुट 6 इंच ऊंची है और हैवाल एक्सिक्स की 15 फुट 3 इंच लंबी, 6 फुट 2 इंच चौड़ी और 5 फुट 8 इंच ऊंची है। सांता फे की ग्राउंड क्लियरेंस 6.9 इंचेस है और हैवाल एक्सिक्स की 8.3 इंचेस। व्हील्स की बात की जाए तो इन दोनों में 19 इंच के अलॉय व्हील आते हैं। DRL भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। इसी तरह इन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक LED हेडलाइट्स आती हैं। सांता फे में रिट्रैक्टेबल साइड मिरर आते हैं विद टर्निंग लाइट एंड पेडल लाइट, जबकि हैवाल एक्सिक्स में हीटेड रिट्रैक्टेबल साइड मिरर आते हैं विद टर्निंग लाइट। इन दोनों गाड़ियों में रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए गए हैं कि बारिश होती है तो ऑटोमेटिक चलते हैं। हाई मॉडल टॉप लाइट भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। इन दोनों गाड़ियों की टॉप पे शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। इसी तरह रे वाइपर भी इन दोनों गाड़ियों पे दिया गया है। फ्रंट फोग लैंप्स जो हैं वो सांता फे में नहीं दिए गए, जबकि हैवाल एक्सिक्स में दिए गए हैं। रूफ रेल इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। फ्रंट रडार भी इन दोनों गाड़ियों में आता है। रे स्पॉइलर भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के इंटीरियर के बारे में। इन दोनों गाड़ियों में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील आता है। क्लाइमेट कंट्रोल इन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक डुअल जोन है। सांता फे में 7% सीटिंग कैपेसिटी है, जबकि हैवाल एक्सिक्स में 5%। सांता फे की बूट स्पेस 782 लीटर है और हैवाल एक्सिक्स की 808 लीटर। इन दोनों गाड़ियों में स्मार्ट बूट दी गई है। ये दोनों गाड़ियां पावर विंडोज के साथ आती हैं। एम्बिएंट लाइट भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई है। सांता फे में 8 इंच का फ्लोटिंग डिस्प्ले आता है, जबकि हैवाल एक्सिक्स में 12.3 इंच का। इसी तरह इन दोनों गाड़ियों में हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया गया है। साउंड सिस्टम की बात की जाए तो सांता फे में 10 स्पीकर्स आते हैं, जबकि हैवाल एक्सिक्स में 8 आते हैं। सांता फे में इलेक्ट्रिक सीट दी गई हैं 10-way एंड 6-way, जबकि हैवाल एक्सिक्स में इलेक्ट्रिक सीट्स हैं लेकिन 8 एंड 6-way। इन दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिक नंबर सपोर्ट दिया गया है। इन दोनों गाड़ियों में रे एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। ड्राइव मोड्स की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में 4-4 ड्राइव मोड्स आते हैं। फ्रंट एंड रेयर पर USB प्लस 12 वाट की चार्जिंग पोर्ट भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई हैं। स्पीडोमीटर की बात की जाए तो सांता फे में 12.3 इंच का TFT डिस्प्ले आता है, जबकि हैवाल एक्सिक्स में 12 इंच का स्पीडोमीटर स्क्रीन दी गई है। सीट मटेरियल की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में लेदर सीट्स आती हैं। इसी तरह इन दोनों गाड़ियों में पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। पुश स्टार्ट बटन भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। इसी तरह पैडल शिफ्टर भी सांता फे में दिए गए हैं, लेकिन हैवाल एक्सिक्स में ये नहीं आते। सांता फे में फ्रंट हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, जबकि हैवाल एक्सिक्स में वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं। इन दोनों गाड़ियों में ऑटो डिमिंग रियरव्यू मिरर दिए गए हैं। सांता फे में सनग्लासेस होल्डर नहीं आता, जबकि हैवाल एक्सिक्स में दिया गया है। सांता फे में हीटेड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जबकि हैवाल एक्सिक्स में ये नहीं आता। डिफरेंशियल लॉक सांता फे में दिया गया है, जबकि हैवाल एक्सिक्स में ये नहीं आता। इन दोनों गाड़ियों में वायरलेस चार्जर मौजूद है। अब बात करेंगे हम सेफ्टी फीचर्स के हवाले से।
ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो इन दोनों गाड़ियों में ABS प्लस EVD ब्रेक्स आती हैं और एयरबैग भी इन दोनों गाड़ियों में 6-6 दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी इन दोनों गाड़ियों में दी गई है और इसी तरह ऑटो होल्ड भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। एंट्री फंक्शन की बात की जाए तो सांता फे में स्मार्ट एंट्री है विद वेलकम लाइट, जबकि हैवेली 6 में स्मार्ट एंट्री दी गई है। इन दोनों गाड़ियों में अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है। पार्किंग सेंसर इन दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रेयर पे आते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है और हिल स्टार्ट असिस्ट भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। सांता फे में डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल दिया गया है और हैवेली S6 में डाउन हिल असिस्ट दिया गया है। बच्चों की सेफ्टी के हवाले से चाइल्ड आइसोफिक एंकर भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद हैं। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। इसी तरह रिवर्स पार्किंग कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइन इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। 360 कैमरा भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। फुल ऑटो पार्किंग जो है वो हैवेली S6 में आती है, जबकि सांता फे में नहीं दी गई। इसी तरह ट्रैफिक जैम भी हैवेली S6 में दी गई है, लेकिन सांता फे में ये नहीं आती। रियर कोलिजन वार्निंग सिस्टम जो है वो इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। सांता फे में सेफ एंड एग्जिट अलर्ट दिया गया है, जबकि हैवेली S6 में लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम दिया गया है। हेडलाइट एडजस्टमेंट इन दोनों गाड़ियों में मौजूद है। ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटिंग सिस्टम भी इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। हैवेली S6 में ऑटो रिवर्स दिया गया है, जबकि सांता फे में ये नहीं आता। इसी तरह फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग प्लस ऑटो एमरजेंसी ब्रेक भी सांता फे में नहीं आती और हैवेली S6 में आती है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन सिस्टम भी सांता फे में नहीं आता, हैवेली S6 में दिया गया है। ऑटो स्टार्ट टॉप भी सांता फे में नहीं आता, हैवेली S6 में दिया गया है। इवेंट डेटा रिकॉर्डर भी सांता फे में नहीं दिया गया, जबकि हैवेली S6 में दिया गया है। ऑटो क्रैश अनलॉक सिस्टम भी सांता फे में नहीं आता, जबकि हैवेली S6 में दिया गया है। रिमोट कंट्रोल विंडो क्लोज सांता फे में नहीं दिया गया, जबकि हैवेली S6 में दिया गया है। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक सिस्टम जो है वो इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के इंजन के हवाले से। हुंडई सांता फे में 1.6 लीटर टर्बोचार्ज इंजन आता है, जबकि हैवेली S6 में 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन दिया गया है। सांता फे का इंजन 227 हॉर्स पावर और टॉर्क 350 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता है, जबकि हैवेली S6 का 240 हॉर्स पावर और टॉर्क 530 न्यूटन मीटर प्रोड्यूस करता है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये दोनों गाड़ियां ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती हैं। फ्यूल टाइप इनका हाइब्रिड है और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी सांता फे की 67 लीटर है, जबकि हैवेली S6 की 55 लीटर। फ्यूल एवरेज जो है वो सांता फे की 13 से 15 है पर टैंक 750 किलोमीटर और हैवेली S6 की 10 से 14 है और तकरीबन 650 किलोमीटर पर टैंक। टॉप स्पीड सांता फे की 260 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि हैवेली S6 की 240 किलोमीटर फी घंटा। 0-100 सांता फे तकरीबन 9 सेकंड में करती है और हैवेली S6 8 सेकंड में। सांता फे में 6 स्पीड ऑटो गेयरबॉक्स आता है, जबकि हैवेली S6 में DHT डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन दी गई है। ड्राइव ट्रेन की बात की जाए तो सांता फे ऑल व्हील ड्राइव में आती है, जबकि हैवेली S6 का ये वेरिएंट फ्रंट व्हील ड्राइव है। हाइड्रोलिक हुड रिलीज जो है वो सांता फे में दी गई है, लेकिन हैवेली S6 में नहीं आती। रिमोट इंजन स्टार्ट का ऑप्शन भी सांता फे में दिया गया है, लेकिन हैवेली S6 में ये नहीं दिया गया। अब बात करेंगे हम इन गाड़ियों के वेरिएंट्स और प्राइस के हवाले से। हुंडई सांता फे में 2 वेरिएंट आते हैं, स्मार्ट एंड सिग्नेचर, और इसी तरह हैवेली S6 में 3 वेरिएंट आते हैं, H6 1.5T, H6 2.0 ऑल व्हील ड्राइव और H6 1.5 HEV। प्राइस की बात की जाए तो सांता फे के इस वेरिएंट की प्राइस 1,47,00,000 है, जबकि हैवेली H6 के इस वेरिएंट की प्राइस 1,19,00,000 है। इसी तरह अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो इन दोनों गाड़ियों के पार्ट्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन एक्सपेंसिव हैं। इसी तरह अगर वारंटी की बात की जाए तो हुंडई सांता फे की
चार साल की वारंटी है 1,00,000 किलोमीटर के साथ, जबकि हैवल H6 की 5 साल की वारंटी है 1,50,000 किलोमीटर की रनिंग के साथ। सो गाइस, द विनर इज हैवल H6 HEV। ये था आज का ओवरऑल कंपैरिजन, जो कि मैंने किसी की फरमाइश पे बनाया है, और अगर इस वीडियो में कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप कमेंट में मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी गाड़ी का कंपैरिजन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बना लेंगे। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों से, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक वक्त पर पहुँचती रहे। तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।